अब ड्रू मैकइंटायर से रैंडी ऑर्टन ही बचाएंगे जे उसो को, लेकिन क्या बचाएंगे, क्योंकि जे उसो ने रोमन रेंस के साथ मिलकर रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड किया था और ये तो वो कभी नहीं भूल सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है, वीडियो देख के आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें ड्रू मैकइंटायर के साथ देखने को मिलती है, जहां वो रिंग में खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं डोमिनिक मिस्टीरियो नहीं हूं। अब ऐसा वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि क्राउड उन्हें कुछ बोलने नहीं दे रहा था। तो ड्रू कहते हैं कि मुझे हक है बात करने का और मैं बात करूंगा। मैं सुन रहा हूं कि कई लोग दुखी है, निराश है जो हुआ लास्ट वीक। मैंने हाथ मिलाया रिया रिप्ली से और मुझे अब एक कायर बुलाया जा रहा है। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्यों किया मैंने ऐसा। जे उसो पे मैंने अटैक किया, अब तुम एक माफी की तलाश में हो कि तुम्हारे सामने मैं माफी मांगू कि तुम्हारा बड़ा मौका मैंने छीन लिया। अच्छा, क्या तुमने आज तक कभी माफी मांगी किसी से भी, मुझसे या फिर बैक स्टेज कहीं किसी से भी, जो भी तुमने उनके साथ किया? ये तो हमने पहली बार देखा जब क्राउड आज ड्रू मैकइंटायर के लिए यू सक तुम बेकार हो के चैंट लगा रहे थे। आगे ड्रू कहते हैं कि देखिए, कोडी लेकर आया जे उसो को रॉ पर। जे उसो को सभी यही बता रहे हैं, कोडी को एक ही चीज बता रहे हैं कि सब भूल जाओ, पिछली बातों पर मिट्टी डालो। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों किया जाए? क्लैश एट द कासल में उसके पूरे परिवार ने मेरे बड़े मौके पे पानी फेर दी, 16 साल की मेरी मेहनत सब खाक में मिला दी उसने और उसके परिवार ने। जब मैं उस ट्रैवल चीफ को हराने ही वाला था, उस पूरे परिवार ने मेरे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। आपको धीरे धीरे शायद समझ में आने लग जाए मेरी बात का क्या मतलब है और मैं क्या सोच रहा हूँ। ड्रू मैकइंटायर क्यों जजमेंट डे ज्वाइन कर रहा है, ये सवाल हम सबके दिमाग में होगा। आप सब ने 22 साल मुझे देखा है मेहनत करते हुए, हर कंडीशन में मैं आपके सामने खड़ा हूँ ड्रू मैकइंटायर के तौर पे। आप शायद मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए इतने सालों में। मैंने जजमेंट डे नहीं ज्वाइन किया है, मैं उनकी टीम में हूँ, उनकी टीम के साथ रहूंगा वॉर गेम्स में। और रिया रिप्ली ने मुझे एक ऐसी चीज दी जो मुझे कोई नहीं दे पाएगा इस वर्ल्ड में, जे उसो एक पिंजरे के अंदर। जे, वॉर गेम्स में जितनी बार मैं तुझे देखूंगा वहां से तुझे उठाकर पटकूंगा। अब गाइस, जे उसो यहाँ खुद आ जाते हैं रैंप पर खड़े होकर। वो ड्रू मैकइंटायर से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं टैग टाइटल नहीं जीत पाया, तो हिसाब बराबर हो गया ड्रू। लेकिन अब जे उसो मुसीबत में पड़ गए थे, ड्रू मैकइंटायर के पीछे एप्रिन पे पूरी जजमेंट डे की सेना खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में गाइस, नंबर को इक्वल करने के लिए सैथ कोडी और सैमी ज़ेन जे उसो के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। वॉर गेम्स अभी ही स्टार्ट ना हो जाए इसलिए एडम पियर्स यहाँ तुरंत आ जाते हैं। एडम कहते हैं कि क्योंकि ड्रू मैकइंटायर जजमेंट डे के टीम में है, तो नंबर को इक्वल करने के लिए कोडी की टीम को भी एक मेंबर की जरूरत होगी। और आज जे उसो वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स एडवांटेज मैच के बाद कोडी की टीम को ये बताना होगा कि उनके टीम का फोर्थ मेंबर कौन होने वाला है। तो अब गाइस, बात करते हैं हमारे मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि जे उसो वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच एक वॉर गेम्स एडवांटेज मैच था। अब देखो, इस एडवांटेज मैच का मतलब ये है कि ड्रू मैकइंटायर और जे उसो में से जो भी जीतेगा वॉर गेम्स में उनकी टीम को एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज से मेरा मतलब ये है कि वॉर गेम्स में दोनों टीम से एक एक बंदे रिंग में होंगे और वो दोनों फाइट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जिन्होंने भी एडवांटेज मैच को जीता होगा उस टीम के बंदे सबसे पहले रिंग में आएंगे कुछ टाइम इंटरवल के बाद। तो गाइस, एक फ्यूचर शॉक डीडीटी के साथ ड्रू मैकइंटायर ने इस मैच को जीत लिया है। अब ड्रू मैकइंटायर की वजह से वॉर गेम्स में जजमेंट डे को एडवांटेज मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस मैच को जीतने के बाद ड्रू मैकइंटायर अटैक कर देते हैं जे उसो पे। इसके बाद जजमेंट डे भी आकर जे उसो को बुरी तरह से मारने लगते हैं। तो ऐसे में जे को सेव करने के लिए कोडी, सैथ और सैमी ज़ेन स्टील चेयर के साथ दौड़ते हुए रिंग में आते हैं। आते के साथ वो ड्रू मैकइंटायर और जजमेंट डे को पीटना स्टार्ट कर देते हैं सभी को रिंग से भगाने के बाद। अब माइक लेते हुए कोडी कहते हैं कि देयर पार्टनर एट सर्वाइवर सीरीज इज समवन ही हैज अ लेगेसी विद, नाउ क्राउड स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहे होते हैं फॉर रैंडी ऑर्टन नेम। फिर आगे कोडी कहते हैं कि व्हाट द जजमेंट डे इज हियरिंग इजंट जस्ट द वॉइसेस इन देयर हेड बिकॉज द WWE यूनिवर्स इज राइट। इसका मतलब गाइस ये देखो, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के पोस्टर पे रैंडी ऑर्टन आ चुके हैं। तो गाइस, रेडी हो जाइए वॉर गेम्स में रैंडी ऑर्टन को देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो रैंडी ऑर्टन के लिए एक लाइक कर देना। WWE की सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई एम सॉरी गाइस, सर्दी और जुकाम की वजह से थोड़ी आवाज चेंज लग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए बाय।